रोशनी और खुशियों के पर्व दीपावली पर हर तरफ उत्साह और उमंग का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का पर्व उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती के दौरान मनाया गया। मान्यता है कि सभी त्योहारों की शुरुआत सबसे पहले महाकाल मंदिर से की जाती है। सोमवार को तड़के हुई भस्म आरती में सबसे पहले पुजारियों ने फुलझड़ी जलाकर इस पर्व की शुरुआत की। इस दौरान राजाधिराज बाबा महाकाल का दिव्य और अद्भुत श्रृंगार किया गया। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल मंदिर से होती है। अल सुबह 4 बजे बाबा को गर्म जल से स्नान करवाया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फल के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया। मस्तक पर तिलक और सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाला और रजत जड़ी रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की गई, जिसके बाद गर्भगृह में बाबा महाकाल के साथ पंडित पुजारी ने फुलझड़ियां जलाकर दीपावली पर्व मनाया। मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। All jaya.
महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया गया। दीपावली पर्व पर महाकाल को अन्नकूट लगता है, जिसमें धान, खाजा, शक्कर पारे, गुंजे, पपड़ी, मिठाई सहित भोग की थाली में खासा मूली की सब्जी, बैंगन की सब्जी भी भोग के रूप में अर्पित की गई। महाकाल के दरबार में जो वर्षों की परंपरा अनुसार रूप चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान महाकाल को अन्नकूट का महाभोग लगाया जाता है, जो तिथि का जो एक संयोग है वो आज दीपावली जो की संध्या काल में है और जो रूप चतुर्दशी है वो प्रातः काल में है। तो बाबा महाकाल के यहाँ एक अनूठी परंपरा है अन्नकूट महाभोग की, जो कि रूप चौदस के दिन लगाया जाता है। आज के दिन भगवान का विशेष उत्तन से एवं भांग से श्रृंगार किया जाता है। उसके पश्चात सभी पंडित पुजारीगण मिलकर, पुजारी परिवार मिलकर के भगवान महाकाल को अन्नकूट का महाभोग लगाता है। ये एक विशेष और बहुत दुर्लभ संयोग है कि दीपावली के पावन पर्व पर आज बाबा महाकाल को अन्नकूट का महाभोग लगाया गया है। लाखों लाख भक्तों ने अन्नकूट महोत्सव के दर्शन किए हैं और भगवान महाकाल के श्री चरणों में अपना शीश झुका करके दीपावली का पावन पर्व बनाया है। ऋषभ बाबू यादव, दीपावली के अवसर पर महाकाल को छप्पन भोग अन्नकूट लगाया गया। सुबह भगवान को सुबह उपतन लगाया गया भगवान को, उसके बाद महाआरती की गई, छप्पन भोग भगवान को लगाया गया। आज महापर्व काल में सबसे पहले बाबा महाकाल के यहाँ पे दीपावत्सव शुरू होता है। आज से अन्नकूट की शुरुआत होती है, जो आज यहाँ अन्नकूट लगा है उसके बाद से फिर सब दूर अन्नकूट लगना शुरू होगा। बाबा महाकाल के यहाँ से दीपावली की शुरुआत होती है। पुजारी देवेंद्र शर्मा, आज के दिन भस्म आरती का महाभोग अन्नकूट भोग लगता है, जिसमें श्री महाकालेश्वर के मंदिर के पुजारी एवं पंडित लोग आज के दिन से दिवाली का प्रारंभ, माता लक्ष्मी का पूजन भगवान महाकाल के श्री चरणों से दिवाली का पूजन। दीपावली के अवसर पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। ये साल में एक ही दिन होता है दिवाली के रूप चौदस के दिन, जिस दिन महिलाएं बाबा महाकाल को उपटन लगाती हैं, जो सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला बाबा महाकाल को उपटन लगाने का। जो परंपरा चली आ रही है हर साल दिवाली के दिन रूप चौदस पर बाबा महाकाल को उपटन लगाने की। क्या नाम है? दीपावली महापर्व पर बाबा महाकाल मंदिर में खास सजावट की गई, जिसमें रंगीन रोशनी सहित देशी विदेशी पुष्पों से बाबा महाकाल का आंगन महक उठा। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।